देश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और विवाद सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आने वाले मेघनाथ घाट पर यूपी के मुजफ्फरनगर के पास ककरोली निवासी शोएब शेख ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर हिंदू धर्म में वापसी की, जहां शोएब खान सनातन धर्म से प्रेरित होकर अब राज गुप्ता बन गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आने वाले मेघनाथ घाट का है, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर के पास ककरोली निवासी शोएब शेख ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर मेघनाथ घाट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मां नर्मदा के तट पर अपना मुंडन करवाकर मां नर्मदा में डुबकी लगाई तथा पूजा पाठ के साथ सनातन धर्म में अपनी वापसी की। मेरा नाम पहले शोएब शेख था, मैं यूपी मुजफ्फरनगर का गांव ककरोली का निवासी हूं। तो मैं पहले मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म को मैं था, तो जो कि अभी की वर्तमान में मैंने सनातन धर्म अपनाया है, जिसमें मैंने रिटर्न वापसी की है। और इसमें अब मेरा वर्तमान में राज गुप्ता नाम है, और मेरे वर्तमान में फादर नेम जो था वो आश मोहम्मद था। तो मैंने अभी वहाँ से अपना बैकग्राउंड से भी जो मेरे मतलब कि पूर्व में जो भी रहे उनसे कोई संबंध नहीं है, इस्लाम धर्म को मैंने त्याग दिया है, ठीक है ना, इसलिए मैं सनातन धर्म को अपना रहा हूँ, जो कि मैं पूर्व वर्तमान में वापस आया हूँ। अपना जीवन के लिए इनकी सुरक्षा और सेवा देने की हमारी गारंटी है, और हमेशा इनको हमारे साथ खुश रहेंगे, इससे हमारा इनसे वादा करते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद देखना होगा कि यूपी के शोएब शेख के धर्म परिवर्तन के बाद कितने और लोग हिंदू धर्म में अपनी वापसी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, कुक्षी।